आज का रेसिपी है भगर का कड़ी। ये हम उपवास के साथ खाते हैं, उपवास में चलता है। अगर आपको साबूदाना नहीं खाने का है तो आप इसको भी खा के रह सकते हो, या बुखार आया है तो उसमें दे सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसके लिए हमको लगेगी भगर एक छोटा कटोरी, दो ग्रीन चिलीज, काली मिर्च कूट के ली हुई, और ये है छाछ। अब इधर मैंने गंजी चढ़ा दी है, उसमें दो चम्मच तेल डाला है। अब इसको तड़का देंगे हम। अब ये तड़का में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, इसमें करी लीव्स डाली है, और इसमें मैंने हरी मिर्च और वो काली मिर्च का पाउडर। अब ये साबूदाना खिचड़ी मैंने ऑलरेडी बना ली थी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चेक कर लीजिएगा। ये मेरा ग्रीन चिलीज होते आ गया, ये भगर डाल दी है मैंने। अब थोड़ा सा गर्म इसमें ठंडा डालेंगे तो ऐसा उठेगा। इसको थोड़ी देर आप भून लीजिए, करीब 2-3 मिनट। अब ये थोड़ी सी फूल गई है, इसमें हम गरम पानी डालेंगे। इधर मैंने गरम पानी चढ़ा के रखा था। अब इसमें गरम पानी डालने के बाद, ये करीब गरम पानी 750 ml के आसपास है, इसको हम एक बॉइल्ड होने देंगे, उसके बाद इसमें छाछ डालेंगे। अब ये बॉइल्ड होना शुरू हो गया है, इसमें थोड़ा सा शक्कर डालती हूँ मैं, करीब 1/2 चम्मच टेस्ट के लिए। और ये छाछ इसमें थोड़ा सा खट्टा होने के लिए साइट्रिक एसिड मिला के रखा हुआ था ऑलरेडी, थोड़ा खट्टा रहेगा तो ठीक है, इसलिए बैलेंस करने के लिए खट्टा मीठा, उसमें थोड़ा शुगर भी डाला था। ये करीब 150 ml छाछ मैंने इसमें डाल दी। अब इसको करीब 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे।